इस साल दीपावली के अवसर पर एक बार फिर त्रेता युग की अयोध्या नजर आएगी। इस दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या दुल्हन की तरह सज संवर कर तैयार होगी। रामनगरी में सरयू तट पर इस बार करीब 16 लाख दीप जगमगाएंगे और कोशिश यह होगी कि पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 14 लाख से अधिक दीपकों का नया कीर्तिमान बनाया जाए। इसके लिए 18,000 वॉलंटियर्स की टीम बनाई गई है, जिसमें स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स शामिल होंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं दीपक बनाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राम की पैड़ी के किनारे के विशाल क्षेत्र में सभी मंदिर पीले रंग से रंगे जाएंगे और दीपोत्सव के समय लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी का भव्य दृश्य दिखाई देगा, जिसकी एक झलक पाने के लिए हर कोई लालियत होगा। वहीं राम की पैड़ी पर सजाए जाने वाले दीपक तेजी के साथ बनाए जा रहे हैं और यह दिए राम की पैड़ी की शोभा बढ़ाएंगे। इस बार दीपक अयोध्या के कुम्हारों से ही लिए जाएंगे। इसको लेकर अयोध्या के कुम्हारों ने बताया, वह दिए बनाने का ऑर्डर मिलने से काफ़ी उत्साहित और खुश हैं। उन्हें रामनगरी में कुम्हारों की संख्या को देखते हुए 10,000 दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। उम्मीद है आगे और भी ऑर्डर मिलेंगे। इस बार हम लोगों को 10,000 का ऑर्डर मिला है, छोटा ऑर्डर मिला है, और अभी जो है संभावना है हम लोगों को और आगे मतलब मिलने का जो है, क्योंकि इस बार राम की पैड़ी पे 14 लाख दिए जलाए जाएंगे जो है। तो अभी हम लोगों को छोटा छोटा मतलब टुकड़ियों में काफ़ी हम लोग ज़्यादा संख्या में कुम्हार लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हमको ऑर्डर दिया गया है। अभी और आगे संभावना है कि हमको और मतलब दिए बनाने का ऑर्डर मिलेगा जो है। नहीं, इस बार तो अच्छी खुशी है जो है कि कम से कम थोड़ा हमको इस बार पिछले के मुकाबले इस बार हम लोग को ज़्यादा दिए बनाने का ऑर्डर मिला। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का यह छठा और उनके दूसरे कार्यकाल का यह पहला दीपोत्सव होगा। पहली बार साल 2017 में राम की पैड़ी पर 1,80,000 दिए एक साथ जलाने से दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। वहीं साल 2018 में 3,01,152, साल 2019 में 5,00,000, साल 2020 में 5,84,000 और पांचवी बार साल 2021 में 7,50,000 दीपों से अयोध्या त्रेता युग की नज़र आने लगी। वहीं साल छठी बार पिछली सालों की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या में यानी 14,28,000 दीप जलाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 16 लाख दीपक जलाए जाने की उम्मीद है। पिछले वर्ष दीपों को एक साथ जलाने के लिए 11,000 वॉलंटियर्स लगाए गए थे, लेकिन इस बार संख्या कई गुना होने पर 18,000 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। दीपोत्सव के आयोजन का संयोजक राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर अजय प्रताप सिंह को बनाया गया है। इसका बजट भी विश्वविद्यालय को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं दीपों की सप्लाई के लिए टेंडर भी जारी किया जा रहा है। इसको लेकर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर व आयोजक अजय प्रताप सिंह ने बताया, दीपोत्सव में इस साल नया कीर्तिमान बनाने के लिए 14,28,000 दीपों को जलाने का टारगेट है, लेकिन इसको 16 लाख लेकर चला जा रहा है। दीपोत्सव में इस वर्ष नया कीर्तिमान बनाने के लिए 14,28,000 दीपों की जलाने की टारगेट है, लेकिन हम सरप्लस इसको 16 लाख मान के चल रहे हैं कि हमको 16 लाख दिए जलाने हैं। पिछले वर्ष 11,000 वॉलंटियर काम किए थे, इस वर्ष चूँकि दीपों की संख्या बढ़ गई है तो करीब 18,000 हमारे वॉलंटियर स्टूडेंट टीचर्स मिलकर के रहेंगे और हमारी तैयारी चल रही है।